देखो उसने खाना शुरू कर दिया, माशाल्लाह जी। ये इतना बड़ा गड्ढा इसने खोदा है दिन की गर्मी के अंदर। हमारे पास एडॉप्शन केसेस आए थे तो ये इनको भी खाना डल रहा है, माशाल्लाह बहुत साफ सुथरे बनीज हैं। और रेड आइस के अंदर ये देखिए फ्रूट बहुत ब्रीड है, उसके अलावा दुनिया के और भी ममालिक में पाए जाते हैं, अब तो यहाँ पे ब्रीड हो रही है। हम उधर छोड़ देंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह। रिजवान इसको डाल देते हैं अंदर। और ये तो बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं पेटिंग जू के ऊपर अलग से एक व्लॉग बनाऊंगा। हमारा जो बहुत बड़ा सा जू है उसके अंदर एक छोटा सा एरिया जो है वो हमने मुख्तस किया हुआ है और उसे कहते हैं हमारा एलेक्जर पेटिंग जू। तो पेटिंग जू के अंदर कौन कौन से जानवर है स्पेशली ये छोटे बच्चों के लिए हमने यहाँ पे रखे हैं, तो आज हम आपको टूर करा रहे हैं अपने पेटिंग जू का। तो सबसे पहले तो ये नज़ारा है हमारे पेटिंग जू का, इसको हमने खुद बनाया था, इस छत को हमने खुद बनाया था, पूरी रात लग गई थी सारे बांस वगैरह लगा के सारी चीज़ें करके। और जो भी हमारे जू के अंदर परिंदों के बच्चे पैदा होते हैं ग्राउंड बर्ड्स के सारे यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे एक तरह से इनकी नर्सरी की तरह ये काम होता है, छोटे बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं फिर इनको डिफरेंट केजेस में डाला जाता है। तो सबसे पहले जो केज में है हमारे पास बहुत ही प्यारा सा बहुत ही खूबसूरत सा ये परिंदा है। ये आप देखें इसकी खूबसूरती, ये है सिल्वर फीजेंट। फीजेंट जो है जिन्हें सुरखाब कहा जाता है। और ये जो सामने बैठा हुआ है ना, ये है प्यारा सा एक खूबसूरत सा मेल और नीचे जो घूम रही है इसकी फीमेल है। हमने इसको रिसेंटली अभी इस केज के अंदर शिफ्ट किया है। आई होप कि जो सामने इसका बॉक्स लगा हुआ है इसके अंदर फीमेल जाती तो है, और आई होप कि बहुत जल्द ये अंडे देना शुरू हो जाएंगे। अरी से हमने डेकोरेशन भी करी हुई है यहाँ पे जंगल थीम में। और ये हमारे पास एक और फीजेंट का जोड़ा है अंदर घुसा हुआ इस वक्त। इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है और वो शायरों ने जो कहा है सुरखाब के पर, तो वाकई इनके पर बहुत हसीन और बहुत खूबसूरत होते हैं और जब सनलाइट पड़ती है तो बिल्कुल शाइन करते हैं ये। अब शायद आपको क्लियर नज़र आए। और ये देखें ये फीमेल है, जो कलर लेस है ना वो फीमेल है, और असल में जो है वो मर्द ही खूबसूरत होता है। ये देखें इसकी एग्जांपल यहाँ पर, ये देखें कितना प्यारा, ये देखें। और इसके सर के ऊपर, अच्छा एक बड़ी अजीबोगरीब बात, इसके आप ज़रा सुरखाब के अगर आप सर पे गौर करें, इसका ज़रा आप डिज़ाइन देखें, ज़रा आपको कुछ याद आ जाएगा। ये देखें अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या याद आ जाएगा। इजिप्ट की जो सकाफत थी, जो मिस्री लोग हुआ करते थे या जो फिरौन हुआ करते थे जो मिस्र के बादशाह थे, उनके आपने सर पे देखा होगा इसी रंग का वो कपड़ा डाल के सुरखाब की तरह का वो लुक बनाते थे। तो ये बहुत सारी सकाफतों के अंदर जो है वो दूसरी चीज़ों को जो है वो ज़ाहिर करता है, जैसे बादशाहत, खूबसूरती, ताकत, पावर, इन चीज़ों को ज़ाहिर करता है। और गर्मी बड़ी ज़बरदस्त हो रही है तो हमारे कछुए ने, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया था, और ये ठीक ठाक एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद चुका है काफ़ी गहरा, और ये इसके अंदर घुस जाता है और जब हम खाना डालते हैं तो बाहर आ जाता है। अभी इसको हम खिला रहे हैं, ये जो है वो फ्रूट खिला रहे हैं, इसको फ्रूट डालना। यहाँ से दे दो, वो देखो उसने खाना शुरू कर दिया, माशाल्लाह जी। ये इतना बड़ा गड्ढा इसने खोदा है, दिन की गर्मी के अंदर ये अंदर होता है, शाम को ये बाहर आ जाता है, इधर टहलता वहलता है और हमारे शो के अंदर हमारे जू में जो लोग आते हैं उसके साथ सेल्फीज भी लेते हैं। और ये हमारे बटेर और चकोर ज़्यादातर जो है यहाँ पे एडॉप्शन केसेस भी आते हैं, तो हमें जो लोग देखे जाते हैं इस तरह के परिंदे वो हम रख लेते हैं। जैसे कि ये खरगोश, ये एडॉप्ट होके हमारे पास आए थे, मतलब किसी ने घर में पाले हुए थे और वो जब बड़े हो गए नहीं संभले गए तो वो इधर ला के उसने दे दिए। ये देखें ये छोटा सा प्यारा सा हमारा बनी, अब ये बाहर आके खाना खाएगा, अंदर छुप के बैठा हुआ है। इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है तो इनका काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है। और ये हमारे मुर्गियाँ, और ये हमारे छोटे छोटे जो जो चूज़े लाए थे माशाल्लाह कितने ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। और ये भी हमारे पास एडॉप्शन केसेस आए थे तो ये इनको भी खाना डल रहा है, माशाल्लाह बहुत साफ़ सुथरे बनीज हैं। और रेड आइस के अंदर ये देखें फ्रूट बहुत शौक़ से खा रहे हैं, गर्मियों में इनको फ्रूट देना चाहिए। आमतौर पे जो लोग खरगोश पालते हैं उनको पता नहीं होता, वो जो बकरों को खिलाने वाले जो लूसन होता है बस उसी के ऊपर पाल रहे होते हैं, पल तो उसके ऊपर भी जाते हैं मगर इनकी बॉडी को डिफरेंट तरह के मिनरल्स, फाइबर्स और ग्लूकोज, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि फ्रूट से इनको मिल जाता है। तो फ्रूट्स इनको लाजमी दें दिन में एक दफ़ा, और अगर फ्रूट के छिलके हों, जैसे आप कुछ एप्पल खा रहे हैं तो अगर आपको ऐसा लग रहा है उसका छिलका कहीं वेस्ट हो रहा है, सब्ज़ी का छिलका वेस्ट हो रहा है, आप खरगोशों को खिलाएं। ओए होए होए माशाल्लाह ये हमारा चूज़ा कितना बड़ा हो गया है, ये मैं छोटे छोटे से चूज़े लाया था और ये तो बिल्कुल पूरे मुर्गी बनने वाले हैं, और एक तो बन चुका है। तो उस मुर्गी को हम उधर छोड़ देंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह। रिजवान इसको डाल देते हैं अंदर। और ये तो बिल्कुल तैयार हो गए हैं यार, डक के बच्चे इधर रखे हुए हैं। और लास्ट टू लास्ट व्लॉग के अंदर हमने यहाँ से बहुत सारे डक के बच्चे जो है वो बड़े हो गए थे, उनको हमने बड़ी
जो हमारा केज है लेक वाला उसमें शिफ्ट कर दिया था, अब ये रह गए। और ये जब अंदर जाएंगे तो हमारे पास बाकी जो 5 बच्चे जो अभी नए बॉर्न हुए हैं उनको हम इधर लेकर आ जाएंगे। तो ये हमारे पेटिंग जू का जो सिलसिला है ये चलता रहता है और इसके अंदर नए एनिमल्स भी ऐड होते रहते हैं और पुराने एनिमल जैसे जैसे बड़े जाते हैं तो उनको हम शिफ्ट भी करते रहते हैं। एक बड़ा खास जानवर वो भी हम आपको दिखा देते हैं इधर, और वो है हमारा वाइट चकोर। चकोर जो है वो पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है। बहुत सारे लोग जो है वो शाहीन को समझते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, नेशनल बर्ड जो हमारा चकोर है और ये वाइट चकोर है, अमेरिकन ब्रीड है। उसके अलावा दुनिया के और भी ममालिक में पाए जाते हैं, अब तो यहाँ पे ब्रीड हो रही है लोकल इनकी। और ये रेड कलर की आइज़ में है और बहुत प्यारे अल्बाइनो चकोर हैं ये, बहुत प्यारे बहुत खूबसूरत। अभी तो डर के उस तरफ बैठे वैसे घूम रहे होते हैं, पूरा जोड़ा है, अभी तक इन्होंने अंडे नहीं दिए। अच्छा, चकोरों के बारे में अगर आप नॉलेज रखते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपसे सीखना ज़रूर चाहूँगा। और इतनी देर में इसने जो है वो सेब खा भी लिए भाई इसने, और हैं तो उसको लाके डाल देना, इसने सेब खा लिए इतनी देर में भाई। अच्छा, सेब जानवरों को बहुत पसंद है भाई, ऐसा ही है, सेब सबसे ज़्यादा खाते हैं, बंदर भी सेब के लिए लड़ रहे थे। हाँ ये देखें, ये देखिए खरगोश, देखो सबसे पहले ये सेब खा रहे हैं सबसे पहले। लेकिन हमारी जो इगवाना क्या वो भी सेब पसंद करती है या कोई और चीज़ वो सबसे ज़्यादा खाती है? पसंद करती है, खीरे भी पसंद करती है। अच्छा, जो हमारे टॉर्टोइज हैं, मंकी हैं और रैबिट हैं, उनको एप्पल ज़्यादा पसंद है, ये मैंने नोट कर लिया भाई। तो अब से हम इनको एप्पल ही खाने में थोड़ी ज़्यादा देंगे। तो ये हमारा प्यारा सा पेटिंग जू था, इसका हमने आपको टूर कराया। और हमारा जू जो है वो एलेक्जर जू नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक जी कराची में। आप लोग अगर यहाँ पे आना चाहें तो आ सकते हैं, एवरी फ्राइडे सैटरडे संडे यहाँ पे एक शो भी होता है, एनिमल अवेयरनेस शो, उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।